ये महिला गलती से अपना माथा एक कर्लिंग आयरन मशीन से जला लेती है, जिससे पास ही में पड़े एक चाय के बर्तन से अचानक $200 बाहर निकल आते हैं। जब इस महिला ने एक बार फिर से अपना माथा उस कर्लिंग आयरन से जलाया तो उस चाय के बर्तन से पहले से भी अधिक पैसे निकलते हैं। अब यहाँ एलिस को जल्द ही एहसास हो जाता है कि जब भी कोई इस चाय के बर्तन के सामने दर्द से तड़पेगा, तब तब इस चाय के बर्तन के अंदर से पैसे निकलेंगे। एलिस इस पैसे देने वाले चाय के बर्तन के बारे में अपने पति जॉन को बता देती है। अब बर्तन के जादू को साबित करने के लिए एलिस अपने पति के दोनों छोटे भाइयों को एक जोरदार लात मारती है, जिससे उस चाय के बर्तन से बहुत सारे पैसे बाहर निकलने लगते हैं। अब ज्यादा पैसों के लालच में ये दोनों अपने को शारीरिक रूप से सजा देने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, ये चाय का बर्तन इन्हें कम पैसे देने शुरू कर देता है। ये महसूस करते हैं कि शायद इन दोनों का दर्द इस चाय के बर्तन के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए ज्यादा दर्द की तलाश के लिए एलिस और जॉन पहले एक बॉक्सिंग मैच में जाते हैं। उसके ठीक बाद ये दोनों एक अस्पताल में गर्भवती महिला को जन्म देते हुए देखने लगते हैं। चाय के बर्तन से अधिक पैसा निकालने के लिए एलिस इस कदर पागल हो जाती है कि वो अपनी कार से एक गरीब आदमी को कुचलने का तय कर लेती है, लेकिन एलिस का पति उस गरीब आदमी की जान बचा लेता है। अब एलिस ऐसा दोबारा न करे, इसके लिए जॉन उस चाय के बर्तन के साथ बिल्डिंग की खिड़की से कूद जाता है।